एक बात तो सर्वविदित है भारत में कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अपने गौ वंश को और गौ पालकों के लिए और अपने सखाओं के लिए उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाया था, जिसके नीचे बैठकर सब सुरक्षित रहे थे। आज गोवर्धन पूजा है और यहाँ पर इसको बड़े अनूठे ढंग से मनाया जाता है। दूसरा, यहाँ स्थानीय जो अनाज है, ये ऐसा मौसम है कि जब अधिकांश अनाज तैयार हो चुके हैं, जैसे माश की दाल है, चावल है, ये जो नया अन्न है उसको आज यहाँ पाकशाला में बनाकर रघुनाथ जी को उस चावल के पर्वत बनाकर उस पर बैठाया जाता है, आरती उतारी जाती है और फिर वो सारा जो पकवान है और चावल भी लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, इसीलिए इसको गोवर्धन पूजा कहते हैं। दशहरे के बाद अन्नकूट का मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, तो इसको काफी टाइम हो गया। भगवान रघुनाथ जी का आते हैं सब श्रद्धालु और कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद बनता है, भगवान अन्न के ऊपर बैठ के अपना आसन लगाते हैं और वहाँ पर अपना दिव्य दर्शन देते हैं हम सब भक्तों को, अपना आशीर्वाद देते हैं हम सब भक्तों को। हम तो जब से यहाँ पैदा हुए ना तभी से रघुनाथ जी के मंदिर में आते हैं, पर अपने होश में जब आए हैं मैं तो आज से कोई 25-26 साल हो गए हैं यहाँ आते आते, तो कीर्तन भी करना हमने भगवान जी का और भगवान का अन्न प्रसाद भोग भी लेते हैं।